नमस्कार। आज मैं आपको शास्त्रीय संगीत में थाट क्या होते हैं इस बारे में बताता हूँ। जैसे आपको मालूम है, हम नाद या सुर से हमने सप्तकों की रचना की। 7 सुर हैं जिसमें, और 7 के फिर उसमें कोमल शुद्ध तीव्र मिला के 12 सुर हो जाते हैं। तो वो 7 के मतलब जो सप्तक है उनसे फिर हम थाट की रचना करते हैं। तो मतलब जिसमें ऐसा एक स्वर समूह जिसमें कि 7 सुर होंगे, वो कोई भी 12 सुरों में से कोई भी 7 सुर हो सकते हैं। सारे गम पधनी मतलब उसमें रे ग म धनी में कोमल या शुद्ध या तीव्र, रे मतलब मध्यम शुद्ध या तीव्र हो सकता है, या रे ग धनी में कोमल या शुद्ध हो सकता है। ऐसे कॉम्बिनेशन को, और सिर्फ हम जो आरोह में लिए गए जो सुर हैं उनको यदि हम मानेंगे, उसको नोट करेंगे, तो वो हमारे लिए हम उसको थाट की संज्ञा देते हैं। मतलब थाट एक ऐसा चीज़ है, जैसे मान लीजिए एक भैरव थाट है, तो उसमें रे और ध कोमल वाले सबके सब जितने भी राग रे ध कोमल वाले होंगे वो सब भैरव थाट पे आना चाहिए। तो भैरव थाट एक बड़ा ग्रुपिंग है, और उस ग्रुपिंग को हम थाट का नाम देते हैं। तो इसका मतलब ये कि जो आरोह में रे और ध कोमल आ रहे हैं ऐसे वाले, उसको हम थाट का नाम देते हैं। ऐसे ही हम हिंदुस्तानी संगीत में भारत में 7 सुरों के 10 थाटों की रचना की है आचार्य मातखंडे जी ने, जबकि कर्नाटक संगीत पद्धति में 72 रागों 72 थाटों की संज्ञा है। मतलब उन्होंने 72 थाट माने हैं, और ज़्यादातर ये माना जाता है कि जितने भी राग हैं वो सब किन्हीं इन्हीं 72 थाटों में सब आ जाते हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में जो 10 थाट हैं वो अक्सर सफिशिएंट नहीं माने जाते हैं, क्योंकि उनमें जो 10 थाट हैं उसमें उनके नाम मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। यमन या कल्याण, बिलावल, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, आसावरी, भैरवी और तोड़ी, ये 10 थाट माने जाते हैं जिनको कि आचार्य भातखंडे जी ने बनाए थे। अब उस पर ऊपर काफ़ी सारे मतभेद थे कि ये 10 थाट ही क्यों ज़्यादा होने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राग हैं जो कि इन थाटों के अंदर फिक्स फिट नहीं हो पाते हैं। एक थाट की डेफिनेशन के हिसाब से आपका ये मतलब हुआ कि हमको जितने भी राग हैं वो सब किसी न किसी थाट में आ जाने चाहिए। अब उदाहरण के तौर पे रे और ध कोमल वाला जो राग है, भैरव तो एक थाट भी है और भैरव नाम का राग भी है। तो अब हम मान लीजिए अब एक राग लेते हैं, राग गुणकली, जिसमें सारे म प ध सा, तो उसमें ग और नी वर्ज हैं पर रे और ध कोमल हैं, तो वो राग गुणकली भी भैरव थाट में आएगा। इसका मतलब है कि जो भी राग जिसमें रे और ध कोमल आ रहा है वो सब राग भैरव थाट के अंदर आना चाहिए, ऐसा करके इसकी कल्पना की गई। बेसिकली इसका उद्देश्य यही था कि बड़ी ग्रुपिंग रागों के बारे में, कि सब रागों को हम किसी कैटेगराइज इसमें रखें जिससे कि हमको इजीली मालूम पड़े कि ये सब इस थाट के राग हैं या इस मेल के राग हैं या मेलकर्ता के राग हैं, उसका कोई और सिग्निफिकेंस है नहीं। यदि आपको किसी, ऐसे बहुत सारे राग हैं जो कि इन थाटों में मतलब हिंदुस्तानी संगीत के 10 थाटों में नहीं आते हैं। उदाहरण के तौर पे राग शोभावरी है, जिसमें कि सारे म प ध सा ही सुर हैं पर रे शुद्ध हैं, सिर्फ ध कोमल है। तो आप रे सिर्फ ध कोमल वाला ऐसा कोई राग थाट नहीं है
जिसमें कि हम या मतलब भैरव थाट में उसको नहीं डाल सकते हम, क्योंकि भैरव में तो हम रे और ध कोमल वाले रागों को डालेंगे। तो इसका मतलब है कि शुभावरी राग जो है वो इस भैरव थाट के अंदर नहीं आ सकता है। अब नहीं आ सकता तो फिर अब वो कहाँ जाएगा? इसका मतलब है कि वो अपने पास इन 10 थाटों में तो कहीं भी आ नहीं सकता वो। इसका मतलब है कि वो थाटों की जो कल्पना है वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट सी है। इसके अलावा बहुत सारे राग हैं जो कि कर्नाटक पद्धति से हिंदुस्तानी में आए हुए हैं, जैसे राग कीरवाणी है, या फिर राग वाचस्पति है, या राग चारुकेशी है। ये राग भी हिंदुस्तानी में बड़े प्रचलित राग हैं, पर इनका करस्पॉन्डिंग थाट नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे चारुकेशी में ध और नी कोमल हैं और बाकी सब शुद्ध सर हैं, सातों सुर लगते हैं, संपूर्ण संपूर्ण उसकी जाति है। इसका मतलब ये हुआ कि ध और नी कोमल वाला कोई एक थाट होना चाहिए जो कि जिसमें कि यह चारुकेशी अकोमोडेट हो जाए। पर आप देखेंगे कि ध और नी कोमल वाला ऐसा कोई राग नहीं है, वो सिर्फ आप भैरवी में मान बोलेंगे कि इसमें रेगा धनी कोमल है तो वो भैरवी में आ सकता है, पर इसमें रे और ग तो शुद्ध हैं, तो आप रेगा धनी वाला मतलब कोमल वाले राग को ही आप भैरवी में मानेंगे, पर सिर्फ धनी कोमल वाले राग को आप भैरवी थाट में नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब है कि राग चारुकेशी भैरवी थाट में नहीं आएगा। इसका मतलब है कि उसका और कोई दूसरा थाट भी उसमें फिट नहीं होता है। तो इसलिए जरूर ऐसे बहुत सारे राग हैं जिनमें कि ये रागों को अपन किसी थाट में नहीं डाल सकते हैं। इसका मतलब है कि ये 10 थाट की जो परिकल्पना है वो तो थोड़ी सी इनकम्प्लीट सी है। और वैसे भी कई सारे विद्वान इसको रागों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए राग के रागांग और उसके हिसाब से उसको विस्तार और उसके ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, बजाय कि हम सिर्फ थाटों के बारे में बात करें और उसका उसके उसकी आधार पे हम किसी राग को हम ढूंढें, तो वो एक परिकल्पना थोड़ी सी गलत सी है। ज़्यादातर स्कूल कॉलेजेस में आपको सब थाटों के हिसाब से ही आपको आगे बढ़ने की संज्ञा दी जाती है कि पहले आप थाट देखें और उसके हिसाब से आगे बढ़ें कि ये सब जो है कैटेगरी के राग इस थाट के अंदर आने चाहिए। पर आपको उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, आपका सिर्फ ये एक राग भी आपको अच्छे से आता है, अच्छे से आप उसमें गा सकते हैं, उसमें रंजकता पैदा कर सकते हैं, सुरीलापन ला सकते हैं, तो वो राग इट्स ए कम्प्लीट थिंग। वो किसी थाट में हो या ना हो वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए उसकी आवश्यकता है, पर बाकी थाट की और कोई आवश्यकता समझ में नहीं आती है। अब हम इसके लिए यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।